अब देखिए पोइम होप आशा। आशा क्या कह रही है कि होप इज गिवन डिफरेंट नेम्स, कि आशा को भिन्न भिन्न नाम दिए गए हैं। आशा को भिन्न भिन्न नाम दिए गए हैं। सम कॉल इट एक्सपेक्टेशन, कुछ इसे उम्मीद के नाम से पुकारते हैं। उम्मीद के नाम से किसे पुकारते हैं? आशा को। आशा जिसे भिन्न भिन्न नाम दिए गए हैं और कुछ इसे उम्मीद के नाम से पुकारते हैं, ठीक है। अदर्स टर्म इट फ्यूचर रेलिवेंस, और जो अन्य लोग हैं वो इसे भविष्य की प्रासंगिकता कहते हैं। अन्य जो दूसरे लोग हैं वो इसे भविष्य की प्रासंगिकता कहते हैं, फ्यूचर रेलिवेंस। सम अदर थिंक इट ए मेजर ऑफ बेनिफिकेशन, और कुछ जो अन्य लोग हैं वो सोचते हैं कि यह एक उपकार का दूसरा तरीका है। मेजर मानी तरीका, बेनिफिकेशन मानी उपकार। तो जैसे ये पैराग्राफ हो गया कि आशा जिसे भिन्न भिन्न नाम दिए गए हैं, कुछ इसे उम्मीद के नाम से पुकारते हैं, दूसरे इसे भविष्य की प्रासंगिकता कहते हैं, और कुछ दूसरे सोचते हैं कि यह उपकार का ही एक तरीका है। आगे चलते हैं। टू मी होप इज द क्रिएशन ऑफ सोल, कि वो कह रहा है, कवि कह रहा है कि आशा मेरे लिए आत्मा का सृजन करती है या आत्मा की रचना करती है। क्रिएशन मानी सृजन कह सकते हैं या रचना कैसे हैं। सोल मानी आत्मा, तो कवि कह रहा है कि आशा मेरे लिए आत्मा की रचना करती है। दैट मेक्स अस फील प्लीजर सम, और आगे कह रहा है जो हमें महसूस कराती है, क्या महसूस कराती है, आनंददायक अनुभूति या खुशी, या फिर खुशी जो हमें फील महसूस कराती है, खुशी महसूस कराती है। आगे चलते हैं। एंड लीप विद एंथुसिएज्म एंड ग्लो, और जिससे हम आशा के उत्साह और चमक में लीप मानी उछलते हैं, ठीक है। इन पास्ट वी हैव सर्वाइव्ड ऑन होप, पास्ट मानी पिछला या अतीत कह सकते हैं। इन पास्ट अतीत में हम आशा को सर्वाइव्ड जीवित रखते हैं। अतीत में हम आशा को जीवित रखते हैं। तो ये दो पैराग्राफ हो गए आपके। आगे चलते हैं। वी सरमाइज ऑफ फ्यूचर बिकॉज ऑफ होप, कि हम हैं जो भविष्य में, हम भविष्य के विषय में या भविष्य में आशा के कारण ही सरमाइज, अंदाजा लगाते हैं। भाई भविष्य में हमें आशा है तभी हम अंदाजा लगाते हैं। होप किल्स नेगेटिविटी इनसाइड, आशा ही है जो मारती है नकारात्मकता को इनसाइड, अंदर से। मतलब आशा हमारे अंदर से नकारात्मकता को मारती है। एंड फिल्स अस विद काम एंड क्वाइट, और हमें भर देती है। फिल्स मानी भरना, काम मानी शांति से, और क्वाइट मानी सौम्य से। आशा ही है जो हमें शांति और सौम्य से भर देती है। यहां तक हो गया।
अब इन आगे चलते हैं। हॉप मेक्स द बर्ड फ्लाई, यह आशा ही है जो पक्षियों को उड़ने देती है। आशा के कारण ही पक्षी आकाश में उड़ते हैं। इन सर्च ऑफ फूड फॉर यंग वन, भोजन की तलाश में पक्षियों के बच्चों के लिए। आशा के कारण ही भोजन की तलाश में पक्षियों के बच्चों के लिए जो पक्षी हैं वो आकाश में उड़ते हैं, आशा ही है। एंड मेटेरियल टू बिल्ड देयर होम, और मेटेरियल माने सामग्री, जिसे हम बोल सकते हैं घास फूस, और घास फूस से बिल्ड देयर होम, उनके मकान, उनके घर बनाए जाते हैं। इट इज द होप दैट मेक्स ए बर्ड, यह आशा ही है, यह आशा ही है जो मेक ए बर्ड, जो कलियों को खिलाती है, जो कलियों को खिलाती है। स्टे ऑन द ब्रांच एंड ब्लूम, जहां पक्षी शाखा पर ठहरते हैं और फूल खिलते हैं, ठीक है। ट्रीज लॉस देयर लिव्स विद ए होप, आशा के कारण ही जो पेड़ हैं वो पत्तियां गिराते हैं। आशा के कारण ही जो पेड़ हैं वो पत्तियां गिराते हैं, लॉस मानी गिराना। दैट वन डे इट विल बी लैंडेड विद ग्रीन हुई, और यह आशा ही है जो एक दिन वे पुनः लैंडेड, लैंडेड मानी लद जाते हैं, भर जाते हैं, ग्रीन हुई किन से, हरी भरी पत्तियों के रंग से। आगे देखो, होप अनलाइटन्स, आशा है जो अनलाइटन्स द लाइफ, आशा है जो आलोकित करती है जीवन को, ग्लूमी उदासी को, और थ्रोक फेयर्स जीवन रूपी मार्ग को। एंड मेक्स अस फील, और हमें महसूस कराती है फ्रेशनेस, ताजगी, एंड वार्म, और गर्माहट। ऑफ द डेज अहेड, ऑफ द डेज अहेड, आगे आने वाले दिनों में, ठीक है। होप मेक्स लाइफ गो ऑन, आशा ही है जो जीवन को आगे बढ़ाती है। लाइफ इज ए डेरिवेटिव ऑफ द फंक्शन कॉल्ड होप, आशा ही है जो जीवन रूपी शब्दों को या कार्यों को, जीवन रूपी शब्दों को या कार्यों को गति प्रदान करती है, ठीक है। होप इज द प्राइम एक्सीलेंस, आशा ही है जो मुख्य श्रेष्ठता का कारण है, यह आशा ही है जो मुख्य श्रेष्ठता का कारण बनती है। राइट फ्रॉम द डे वन इज बॉर्न, और यह आशा ही है जो व्यक्ति जन्म लेता है और उसे उस जन्म के दिन से ही आगे बढ़ाने का कार्य करती है। तो ये आपकी पोइम है, रजन अग्रवाल की है। मतलब इस पोइम में बताया गया है कि आशा किस प्रकार अपने कार्यों को करती है और किस प्रकार एक व्यक्ति आशा के कारण ही अपने जीवन को आगे बढ़ाता है और इस समाज में सम्मान प्राप्त करता है, ऐसा रजन अग्रवाल कह रहे हैं इस कविता में। पक्षियों का भी उदाहरण दिया है, पक्षियों को भी एक आशा ही होती है जिससे वो
आकाश में उड़ करके भोजन की तलाश करते हैं और अपने बच्चों के लिए घोंसला बनाते हैं। तो ये सब आशा ही हैं। पेड़ हैं, पेड़ों के बारे में बताया गया है कि पेड़ भी एक आशा के कारण ही अपनी पत्तियों को गिरा देते हैं ताकि फिर से वापस हरी पत्तियों से भर सकें। तो मतलब आशा है एक व्यक्ति से जुड़ी हुई है। ओके।